माही गिल आणि इतर कलाकारांना मारहाण केल्याने सिनेसृष्टीत खळबळ उडाली. या मारहाणीत निर्माता साकेत सावनी यांनाही दुखापत झाली आहे. तर पोलिसांनी यावेळी अज्ञात गुंडांची साथ दिल्याचा आरोप माही गिलनी केलाय. साकेत सावनी आणि माही गिल यांचा एक व्हिडिओ दिग्दर्शक तिमांशु धुलिया यांनी त्यांच्या ट्विटरवर शेअर केलाय. यामुळे ही सगळी माहिती समोर आली. बुधवारी दुपारी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मीरा रोड येथील स्टुडिओत हे शूट सुरू होते. या प्रकरणी पोलिसांनी 7 जणांना अटक केली आहे. हम लोग आज मीरा रोड पे एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे, क्लिक गोड़बंदर रोड पे. हमने परमिशन ली है, हमारे पास वैलिड परमिशन है. हमने पैसे दिए हैं लोकेशन मैनेजर को. हम सुबह 7 बजे से शूट कर रहे थे. अचानक पिछले 1 घंटा पहले 4:30 के आसपास कुछ 4 लोग उधर आए, दारू पिए हुए, हाथ में छड़ियाँ लकड़ी सलिया लेके, और उन्होंने आके हमारे यूनिट में हमारे आर्टिस्ट को, हमारे टेक्नीशियंस को बहुत मारा है, पीटा है, उनको उनका सामान निकाल के दिया. उन्होंने ये बोला कि लोकेशन हमारी है, ये लोकेशन हमारी है, हमारी परमिशन के बिना आप यहाँ शूट नहीं कर सकते. देर वॉज नो स्कोप फॉर डायलॉग, देर इज नो स्कोप फॉर डिस्कशन. दे मैन हैंडल्ड वुमेन बैडली, दे मैन हैंडल आर आर्टिस्ट बैडली. दिस इज आर सीनियर DOP, दिस इज आर डायरेक्टर, ही हैज डिसलोकेटेड हिज शोल्डर. हमारे ये ड्राइवर साहब हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सबको चोट लगी है. लेडी क्रू को मारा गया, उनको हाथों से खींचा गया है. मुझे मारने लगे थे, मैं भाग कर गाड़ी में बैठी जाकर, और जब मैंने जो मैंने देखा है वहाँ पर क्या हाल हो रही थी, मुझे सिटिंग पीपल जैसे कि किसी जानवर को हम मारते होते हैं, पहली बार मैंने ऐसा देखा है. DOP को इतनी ज़ोर से इन्होंने मारा, हिज गॉट स्टिचेस ऑन हिज हेड. सोहम को इतनी ज़ोर से मारा है कि सोहम गिर गए लिटरली, और सर इंटरवीन किए बीच में. और हमें ये पता चला कि वहाँ पुलिस आई थी. हम पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहे, हम ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं, हम पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहे कि पुलिस खुद बोल रही थी उनको, गुंडों को, कि मारो उनको पकड़ के, कोई बात नहीं. और उन्होंने पुलिस वहाँ पर आई है. पुलिस की पेट्रोल कार को हमने बोला हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ. उन्होंने बोला हम कंपाउंड के अंदर आते हैं, हम तुमको बताएंगे. उन्होंने कंपाउंड का के दरवाज़ा बंद किया, हमें हमारा सामान नहीं निकालने दिया. बोले हमको जब तक पैसा नहीं दोगे कोर्ट में आओ, पंचनामा होगा और कोर्ट से सामान लेके जाओ. सर ये सिर्फ हैरासमेंट है. हम अभी कॉन्शियसली कॉल लेके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने नहीं जा रहे, बिकॉज कंप्लेंट लेंगे आप सामने वाली पार्टी को बुलाओगे, उनको NC देके उनको बेल पे छोड़ दिया जाएगा. हम सालों साल कोर्ट के चक्कर खाते रहेंगे, हमारे नाम पे क्रिमिनल का थप्पा लग जाएगा. सर इट इज हरासमेंट फॉर द इंडस्ट्री, इट इज हरासमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ ही हो सकता है. उसके बाद भी जिमी जीप की वैन, जिमी जीप के लोगों को पुलिस लेके गई है, पुलिस ने मारा है उनको वहाँ पे हमसे पैसा लेने के बाद. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.